स्वागत है आपका दोस्तों। ये है वीडियोस वर्ल्ड और ये है आपका स्टैट प्रो स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन सीरीज़ हिंदी में। आज है डे टू और डे फर्स्ट में हम स्टैट प्रो में मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर की मॉडलिंग करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। फर्स्ट GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सेकेंड आपका एडिटर और थर्ड आपका अदर कैड सॉफ्टवेयर। तो हम एडिटर में चल रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं हम एडिटर। आज हम ये प्रॉब्लम स्टैट से ये मॉडल बनाएंगे और लोड लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टैट ओपन करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। जैसे कि ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं, स्पेस मीटर और किलोमीटर लेने के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं डे 2, नेक्स्ट, एड बीम, नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम जाएंगे एडिटर, ये आपका एडिटर है। जैसे कि मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ आपको, जो भी प्रोग्रामिंग हमें लिखनी होती है वो इनपुट विड 79 और फिनिश के बीच में लिखनी होती है। तो 79 के पास कर्सर ले आके मैंने एंटर मारा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, सबसे पहले हमें बनाना है ये नोड। इस नोड का हम नंबर दे देते हैं, नोड है आपका 1 और ये नोड है आपका 2। तो नोड 1 अगर ओरिजिन पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 एंड 0। और अगर ये एक्स डायरेक्शन में आपका बीम जा रहा है तो नोड 2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 12 0 0। तो स्टार्ट करते हैं, एडिटर में गए, यहाँ पे टाइप किया हमने जॉइंट कोऑर्डिनेट, एंटर। फर्स्ट जॉइंट, जॉइंट नंबर 1, कोऑर्डिनेट स्पेस 0 स्पेस 0 स्पेस 0, एंटर। 2 नोड नंबर, कोऑर्डिनेट 12 0 0, एंटर। सेव करके चेक करते हैं हमारे दोनों नोड बन चुके हैं। देखिए एक नोड ये रहा आपका, एक नोड ये रहा। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे को मेंबर बनाना है। मेंबर इंसिडेंस हम टाइप करते हैं मेंबर बनाने के, जो कनेक्ट है हमारा 1 और 2 से। और इस मेंबर का नंबर क्या है, इस नंबर मेंबर का नंबर है 1। तो चलिए हम क्या टाइप करेंगे, एंटर 1 मेंबर इंसिडेंस, एंटर। फर्स्ट हम डालते हैं मेंबर का नंबर क्या है हमारा, 1। स्पेस कनेक्ट किससे, नोड 1 और नोड 2 से। सेव एंड क्लोज चेक कर लेते हैं, मेंबर बन गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, सपोर्ट लगाना, एक पिन सपोर्ट एक रोलर सपोर्ट। एडिटर, एक की जो आपकी जो पिन सपोर्ट है वो कहाँ लग रही है, आपकी नोड 1 पे, और रोलर सपोर्ट कहाँ लग रही है, नोड 2 पे। तो हमें यहाँ टाइप करना होगा सपोर्ट, एंटर, नोड 1 स्पेस पिन, नोड 1 में पिन सपोर्ट लग रही है। सेव चेक कर लेते हैं, देखिए पिन सपोर्ट लग गई। अब नोड 2, नोड 2 पे आपकी रोलर सपोर्ट, लेकिन हम रोलर सपोर्ट को इतना ऐसे इजीली नहीं बना सकते कि हमने लिखा नोड 2 और रोलर। स्टैट प्रो में दो ही सपोर्ट अवेलेबल है, फिक्स और पिन, रोलर हमें बनानी होगी। तो देखिए रोलर सपोर्ट में होता क्या है, एक ही रिएक्शन डेवलप होती है ना। रोलर में आपकी कितनी रिएक्शन डेवलप होती है, एक रिएक्शन डेवलप होती है केवल, और भी FY। अगर हमारा वर्टिकल है और हाइट हमारी वाई में है तो कौन सी रिएक्शन डेवलप होगी यहाँ पे, FY, और सब जीरो है, मोमेंट भी जीरो है और सभी डायरेक्शन फोर्स जीरो है। तो हमने क्या एडिटर में लिखा, टाइप किया टू नॉट टू फिक्स
पहले फिक्स लिखते हैं एक बार, सेव किया। देखिए नोट टू पे फिक्स सपोर्ट बन गई है, फिक्स सपोर्ट का स्टैट में सिंबल यही है। एडिटर में जाए, बट मूवमेंट कौन कौन सी होती है फिक्स सपोर्ट पे, एम एक्स स्पेस एम वाई स्पेस एम जेड। बट के बाद जो भी हम लिख रहे हैं वो जीरो होते जा रहा है। अगर हमने तीनों मूवमेंट के टाइटल डाल दिए यहाँ पे, तो इसका मतलब फिक्स सपोर्ट में से तीन मूवमेंट जीरो हो गई है। फिर लिखा हमने एफ एक्स, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन जेड डायरेक्शन। एक रह गया फोर्स इन वाई, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि बट के बाद जो लिखते हैं वो जीरो हो जाता है। तो ये किस कौन सी सपोर्ट बननी है हमारी, रोलर सपोर्ट। एक बार इसका सिंबल देख लेते हैं, ग्रीन कलर का ये आपका। नेक्स्ट आपका दोनों सपोर्ट लग चुकी है, उसके बाद है लोड। देखिए लोड के लिए एक चीज समझनी होगी आपको, दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका लोड केस, एक होता है आपका लोड पैटर्न। लोड केस का मतलब होता है टाइप्स ऑफ लोड, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड। और लोड पैटर्न में आता है किस पैटर्न में लग रहा है, जैसे कि पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, मूवमेंट, ये क्या है पैटर्न है। तो आप बता सकते हो इस पर कौन से पैटर्न का लोड है, इस पर है पॉइंट लोड, या पॉइंट लोड को हम बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, लोड हमें पता चल गया किस पैटर्न का है। अब केस क्या होगा, लोड केस किस टाइप का है, डेड और लाइव तो दिया नहीं है, गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं डेड लोड है। यानी कि इस मेंबर के ऊपर 10 किलोन्यूटन पॉइंट लोड पैटर्न का एक डेड लोड लगा हुआ है। तो हमें लोड केस बनाने के लिए कुछ कमांड है हमारे पास, लोड पैटर्न के लिए अलग कमांड है। लेकिन उससे पहले, सॉरी मैंने पहले बता दिया आपको, उससे पहले हमें इस बीम को बनाना है कंक्रीट का मटेरियल, और इसको क्रॉस सेक्शन देना है हमें ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसको कंक्रीट, उसके बाद पहले कंक्रीट बनाएंगे, उसके बाद क्रॉस सेक्शन देंगे। तो एडिटर में गए, इसके बाद टाइप करना होगा डिफाइन मटेरियल स्टार्ट, यानी कि मटेरियल बनाना हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, एंटर। तो हमारा कंक्रीट क्या होता है, आइसोट्रॉपिक, ये हमें अज्यूम करना होगा, आइसोट्रॉपिक कंक्रीट। ओके, और इसका यंग मॉडुलस, ई यंग मॉडुलस होता है एज्यूम जो भी आपके प्रॉब्लम में दियो, हम ले लेते हैं 2.1 इंटू 10 की पावर 7। अब 10 की पावर 7 को कैसे लिखेंगे हम, इसमें 2.1 ई 00, सॉरी ई प्लस 007, इसका मतलब है 2.1 इंटू 10 की पावर 7। उसके बाद आता है पॉइजन, पॉइजन रेट हम 0.17 ले लेते हैं। डेंसिटी हम 25 ले लेते हैं कंक्रीट की। अल्फा, अल्फा होता है आपका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, 1 × 10⁵ -5 कंक्रीट की। उसके बाद डैम्पिंग, डैम्पिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। डैम्पिंग वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी मटेरियल को ऑक्सीलेट होने से रोकती है। सीज़मिक एनालिसिस में उसका बहुत बड़ा काम है, तो हम बाद में जानेंगे। इसके बाद टाइप करेंगे टाइप कंक्रीट, किस टाइप का मटेरियल है। उसके बाद स्ट्रेंथ, एंटर, एंड डिफाइन मटेरियल, ये हो चुका आपका। इतना आपको टाइप करना पड़ेगा कंक्रीट बनाने के लिए, सेव। अब हमें बना क्या करना है, क्रॉस सेक्शन देना है इसको 300 और 600 डेप्थ mm, और 300 आपकी विड्थ है। और ये क्रॉस सेक्शन किस टाइप का, प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक मीन्स
क्रॉस सेक्शन अलोंग द लेंथ कॉन्स्टेंट। तो चलिए इसके लिए टाइप करना होगा हमें मेंबर प्रॉपर्टी एंटर। वन क्या है आपका मेंबर नंबर जिसको प्रॉपर्टी दे रहे हो, वन प्रिज्मेटिक वाई डी होती है आपकी डेप्थ कितनी है 0.6 मीटर और जेड डी आपकी विड्थ होती है 0.3 है आपकी। इसके बाद आप लिखेंगे कॉन्स्टेंट्स, उसके बाद लिखेंगे मटेरियल कंक्रीट ऑल। तो देखिए यहां से लेके यहां तक हमने क्या किया है, मटेरियल दिया है और कंक्रीट का और क्रॉस सेक्शन दिया है। एक बार और समझ लेते हैं, सबसे पहले लाइन लिखते हैं हम डिफाइन मटेरियल स्टार्ट, फिर जो हमें कॉन्स्टेंट्स हैं वो समय सारे हमने कॉन्स्टेंट दे दिए, फिर एंड कर दिया यहाँ पे, फिर हमने मेंबर प्रॉपर्टी लिखा। मेंबर प्रॉपर्टी किसको दे रहे हैं, फर्स्ट मेंबर को, प्रिज्मेटिक है, वाई डी डेप्थ इतना है और जेड डी इतना डेप्थ है। फिर जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे लिखा है यानी कि मटेरियल जो कंक्रीट है उसको ये सारे कॉन्स्टेंट मिल जाए जो हमने लिखे हैं, और हमें सेव करके क्लोज कर देना है। देखिए अगर हम 3D है, 3D होता है, इसमें प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन के साथ मेंबर दिखता है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमें क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। अगर आप पहले क्लिक करते तो सिंपल एक लाइन दिखाती, देखिए डेप्थ 600 mm और विड्थ आपकी 300 mm। अब हमारा नेक्स्ट है लोड। तो हमने सबसे पहले एक लोड केस बनाना होगा, डेड लोड, हमने स्टैंड को डेड लोड मान लिया है। उसके लिए देखिए क्या टाइप करते हैं, लोड वन, फर्स्ट लोड लगा रहे हैं, लोड टाइप डेड टाइटल डेड लोड। इस लाइन का मतलब समझिए, लोड वन फर्स्ट लोड केस बना रहे हैं, लोड टाइप क्या है डेड है और उसका टाइटल क्या है डेड लोड है, ठीक है। एंटर, वन किस पे लगा रहे हैं, मेंबर नंबर वन पे। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सी पॉइंट लोड बोलते हैं इसे, और किस डायरेक्शन लगा रहे हैं, ग्लोबल वाई डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में, और कितना है -10, माइनस मीन्स डाउनवर्ड। सेव कर लेते हैं, क्लोज। देखिए एरर आ गया है, हमने एरर पे यस किया तो एडिटर हमारा एरर बता रहा है, जब हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे बता रहा है कि इस लाइन में एरर है। एरर आना बहुत अच्छी बात होती है, इससे हमें आगे को सीखने को मिलता है। देखिए एरर क्या है कि इसके बाद हमें एक लाइन और लिखनी थी, मेंबर लोड, क्योंकि लोड मेंबर पे लग रहा है इसलिए। सेव करके अब हम क्लोज करते हैं। देखिए सपोर्ट लग चुके, इसे हम सीधा कर लेते हैं यहाँ से। अब हमें लोड चेक करने के लिए क्लिक करना होगा जनरल लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल। देखिए डेड लोड बन चुका, जब हमने फर्स्ट लाइन लिखी थी लोड वन लोड टाइप डेड टाइटल डेड लोड, वो ये है जो टाइटल था वो डेड लोड है। अब इसके प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है CON कंसोलिडेटेड GY -10, ये देखिए फोर्स आ गया। शिफ्ट प्लस V आप प्रेस करेंगे तो लोड की वैल्यू हो जाएगी, शिफ्ट प्लस B प्रेस करेंगे तो बीम नंबर, शिफ्ट प्लस N प्रेस करोगे तो नोड नंबर। तो ये था आपका सिंपल सपोर्ट बीम। हम इसे क्रॉस सेक्शन के साथ यहाँ से देख सकते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम, फुल सेक्शन क्लिक किया, ओके किया। तो ये आपका सिंपल सपोर्ट बीम। अगर आपके हेल्पफुल हो, काम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।